दक्षिण अफ्रीका दौरे पर होने वाले एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में अनफिट रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन शायद टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वनडे की कप्तानी में हुए बदलाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर राहुल ने दूसरे राहुल को वनडे का कप्तान बनाए जाने को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। इन दिनों टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत ने विराट की अगुवाई में पहला टेस्ट मैच जीत लिया है और अब दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए जोहान्सबर्ग पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच कल से दूसरा मुकाबला शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर मैच से एक दिन पहले टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए और इसी में से एक सवाल वनडे टीम को लेकर भी की गई, जिस पर राहुल द्रविड़ ने चौंकाने वाला बयान देकर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल द्रविड़ ने इसके जवाब में कहा, मैंने साउथ अफ्रीका दौरे पर ओडीआई सीरीज में कप्तानी के लिए ऋषभ पंत का नाम सुझाया था, लेकिन मैनेजमेंट ने एक कम सक्सेसफुल आईपीएल कप्तान के साथ जाने का फैसला किया है। यानी साफ तौर से टीम के कोच राहुल द्रविड़ सिलेक्टर्स के फैसले से सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक टीम के युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत को साउथ अफ्रीका में ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने अपनी अलग सोच के साथ जाने का फैसला किया है। आपको बता दें, पंत और राहुल दोनों के पास कप्तानी का पर्याप्त अनुभव मौजूद है। हालांकि राहुल ने आईपीएल में पंत से ज्यादा मुकाबलों में कप्तानी की हुई है, लेकिन पंजाब किंग्स इन सालों में कभी भी राहुल की कप्तानी में प्लेऑफ्स का सफर भी तय नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ ने पिछले सीजन पहली बार दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालते ही अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया है और शायद द्रविड़ ने भी आईपीएल के परफॉर्मेंस को पैमाना मानते हुए ऋषभ के नाम की वकालत की होगी। लेकिन शायद चयनकर्ताओं और बाकी मैनेजमेंट की सोच राहुल से इस मामले में मेल नहीं खा रही है। लेकिन अगर सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट कोच की बात को इस तरह से अनदेखा कर दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। जो भी हो, इससे दोनों राहुल के बीच वनडे सीरीज में डिसीजन को लेकर किसी तरह का टकराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका बुरा असर आने वाले ओडीआई सीरीज पर भी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त कर देना चाहिए था या फिर सिलेक्टर्स के फैसले से आप भी सहमत हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।